हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ टेक बाइट। आज यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वन प्लस के बुलेट वायरलेस जेड ब्लूटूथ हेडफोन्स। ये स्पेशली काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ और एक बजट कैटेगरी में इंडिया में लॉन्च हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पीछे की ओर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको की स्पेसिफिकेशंस इस हेडफोन्स के बारे में आपको मिल जाएंगी, और साथ ही ये अमेज़ॉन और कई रिटेल स्टोर्स पर भी अभी अवेलेबल है। ये करीबन 2000 रुपए के आसपास इंडिया में अवेलेबल है। यहाँ पर इस प्राइस रेंज में ये एक काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस देता है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये मॉडल की इन्फॉर्मेशन है और प्राइस लिखी हुई है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं ये हेडफोन्स के अनबॉक्सिंग की। वन प्लस की एक बात काफ़ी अच्छी लगी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडफोन से लेके ये पूरा बॉक्स जो इन्होंने डिज़ाइन किया है वो है वाइट और रेड कलर में, जो कि एक काफ़ी कॉन्ट्रास्ट कलर और एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। यहाँ पर आपको ये एसेसरी बॉक्स और यूज़र गाइड मिल जाता है। यूज़र गाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पेपर इन्फॉर्मेशन है। ये रेड केबल क्लब है, जो वन प्लस जो रेड केबल देती है चार्जिंग के लिए वो एक क्लब है। यहाँ पर पीछे आपको कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और मैनुअल है। साथ में अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसेसरीज दी गई है वो दूसरी ओर होती है। ये है एक वायरलेस टाइप सी केबल जो आपको ये हेडफोन्स चार्ज करने में यूज़ करना है, और साथ में मिल जाती है ये दो अलग अलग साइज़ की ईयर टिप्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर वन प्लस का लोगो है और ये एक टाइप सी केबल है। ये छोटा सा केबल दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाता है और आपको कोई भी ज़्यादा इसे यूज़ करना नहीं होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे है ये वन प्लस वायरलेस बुलेट जेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जब भी इसे निकालेंगे तो एक काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम फील आपको मिलता है। ये काफ़ी बैलेंस्ड है, जब आप ये अपने कान में लगाते हैं काफ़ी अच्छे से फिट भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर आप ये बटन देख सकते हैं, ये बटन क्विक स्विच और कनेक्ट के लिए है। जब भी आपको कोई नया डिवाइस यहाँ पर पेयर करना होता है तो आपको ये बटन क्लिक करना होता है, या फिर ऑलरेडी पेयर्ड डिवाइस में स्विच करना होता है तो आप वन क्लिक में डिवाइस स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक फील दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जब आप इसको रिमूव कर देते हैं ईयर से तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक दूसरे से मैग्नेटिक कनेक्ट होके ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। ये एक वॉल्यूम रॉकर है, जो आप यहाँ पर हेडफोन से प्लस और माइनस कर सकते हैं वॉल्यूम, और साथ में आप कॉल रिसीव और एंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। वन प्लस का दावा है कि ये हेड 10 मिनट में 10 घंटे का पावर बैकअप देता है। तो अभी देखिए, यहाँ पर आपको जैसे ही इसको ऑन करना है आपको सिर्फ ये जो ईयरबड्स है उनकी ये मैग्नेटिक कनेक्टेड जो रहता है उसको रिमूव कर देना है, यानी कि अलग करना है। जैसे ही आप अलग करते हैं यहाँ पर देखिए ये वाइट लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है, और आप उससे नए डिवाइस पेयर कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी पेयर्ड डिवाइस है उसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ये ऑलरेडी अभी कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर ये वाइट लाइट ब्लिंक हो रही है, वरना ये लाइट स्टेडी हो जाती है। जैसे ही आप इन दोनों को फिर से जोड़ देते हो ये बंद हो जाता है। यहाँ पर अब बात करें हम साउंड क्वालिटी की, तो इस हेडफोन्स में हाइस और लोस काफ़ी बैलेंस है, पर एक रिकमेंडेशन है कि आप अगर बेस जो काफ़ी पसंद करते हो तो ये हेडफोन में बेस आउटपुट काफ़ी लिमिटेड है, और ये काफ़ी लिमिटेड है। अगर आपको लेने के बाद बेस में डिसअपॉइंटेड होता है तो ये एक कॉमन बात होगी, क्योंकि यहाँ पर बेस काफ़ी बैलेंस है और इंडियंस बेस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा है, और इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छे हेडफोन्स है। सो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट।
प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.